तो चलिए पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पोषण ट्रैकर 20.7 के नए अपडेट के बारे में। जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट 20.7 का आया हुआ है, अगर आप इसको अपडेट नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाके इसको अपडेट कर लीजिए। इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे कि अब आप लोगों को काम कैसे करना है जो नए अपडेट आए हैं। सबसे पहले जो अपडेट आया है 20.7 में कम्युनिटी बेस्ड इवेंट और VHSND के बारे में। तो अगर आप कम्युनिटी बेस्ड इवेंट और VHSND ऑर्गेनाइज करती हैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे, तो उसकी एंट्री आप लोग कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोग यहाँ पे मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इवेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो इमेज है उसको चेंज कर दिया गया है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट और VHSND वाला। तो मान लीजिए आप कम्युनिटी बेस्ड इवेंट अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो उसकी एंट्री आप लोग यहाँ पे करेंगे। उसके लिए आप CBE वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहला आपका काम जो है वो डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को आपने जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और कौन सा कम्युनिटी बेस्ड इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उसका थीम आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो एक बात आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि आप लोगों को करंट मंथ में ही जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है उसी को भरने का ऑप्शन दिया गया है। बैक मंथ में जाके आप कम्युनिटी बेस्ड इवेंट का जो ऑप्शन है उसको नहीं भर पाएंगे। तो जो भी डेट हो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थीम पर क्लिक करेंगे कि किस थीम के तहत आपने कम्युनिटी बेस्ड इवेंट का जो कार्यक्रम है वो किया है। यहाँ पर गुदभराई दिवस, अनप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एट AWC और पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग, यहाँ पे पांच ऑप्शन खुल के आते हैं जिसमें कि हम लोग बेसिकली दो ऑप्शन पे काम करते हैं, गुदभराई दिवस और अनप्राशन दिवस। हालांकि कई जगहों पे सुपोषण दिवस का भी आयोजन किया जाता है। तो आपके क्षेत्र में जो भी आयोजन किया जाता है उसको आप लोग सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर गुदभराई दिवस की एंट्री करेंगे तो हमारे यहाँ पे 7 तारीख को गुदभराई दिवस किया जाता है, तो यहाँ पे 7 तारीख का जो डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थीम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं VHSND कार्यक्रम का, हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। VHSND कार्यक्रम का एंट्री करने के लिए आपको VHSND पे क्लिक करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है जिस डेट को आप यहाँ पे VHSND का आयोजन करेंगी उसका डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्टिसिपेशन में जो संख्या है वो दर्ज करनी है कि कितने लोग इस VHSND कार्यक्रम में मौजूद थे। तो जो संख्या हो आप लोगों को यहाँ पर डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से पोषण ट्रैकर 20.7 में नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं उसमें भी आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, बच्चों वाली कैटेगरी पे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो प्रीवियस रीडिंग है वो यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे हाइट और वेट डालेंगे तो एक मैसेज आप लोगों को शो करेगा जो कि न्यू मैसेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए मान लीजिए इस बच्चे का जो हाइट है वो हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो उसका वेट है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कन्फर्मेशन मैसेज के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, प्लीज़ चेक द इन्फॉर्मेशन थ्रोटली बिफोर सबमिटिंग, यानी कि सबमिट करने से पहले आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है जो भी आपने हाइट और वेट डाला है वो सही हाइट और वेट है कि नहीं है। उसके बाद ही आप लोग यहां पे सबमिट करेंगे। अगर यहां से आप लोग उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यहां पे कैंसिल बटन पे क्लिक करके दोबारा वहां पे जो हाइट और वेट है उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि हाइट और वेट जो भी डाले हैं वो सही है, तो आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसा आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं वैसे ही आप लोगों को करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आपके गर्भवती महिला की जो कैटेगरी है उसमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन कैटेगरी ओपन करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो दो चेंजेस किए गए हैं जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, BMI बॉडी मास इंडेक्स अभी फिलहाल ये ऑप्शन नहीं खुल पा रहा है और यहाँ पर गेस्टेशनल वेट गेन ANC डिटेल्स, यानी कि इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो जो भी गर्भवती महिला का ANC डेट होता है यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र पे आती है उसका हाइट और वेट जो भी आप लोग मापते हैं उसका डिटेल्स आप लोगों को इस ANC डिटेल्स वाले में अब आप लोगों को भरना है। जैसे कि यहाँ पे गेस्टेशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जिस भी लाभार्थी का कैटेगरी आप ओपन करेंगे उसके बारे में जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा उसका एंट्री हम लोग करना है। जैसे कि उस लाभार्थी का हाइट क्या है, उस लाभार्थी का वेट क्या है, उसका हेमोग्लोबिन क्या है,
एक्चुअल डेट ऑफ एएनसी यानी कि जब वो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे आती है उसी का डेट यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो डेट आप लोगों को यहाँ से कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे सबमिट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को चार एएनसी डिटेल्स दिखा रहा है, यानी चार बार जो चेकअप होता है आंगनबाड़ी केंद्र पे उसका डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। किस डेट को आप लोगों को यहाँ पे उस लाभार्थी को बुलाना है और यहाँ पे एएनसी यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र पे जो उस लाभार्थी का हाइट और वेट है वो आप लोगों को मापना है, वो डेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट यहाँ पर 2/3/2024 का जो डेट है वो दिखा रहा है, तो उस डेट को वो लाभार्थी आती है और उसका हाइट और वेट आप लोग मापते हैं और जो भी उसका हीमोग्लोबिन है वो डालते हैं और एएनसी डेट यानी जिस दिन वो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आती है उसका डेट डालते हैं और यहाँ पे उसको डाल के सबमिट कर देनी है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जो लास्ट अपडेट आया है बेनिफिशरी वैक्सीनेशन, तो उसका जो मॉड्यूल है आप लोगों को होम पेज पे ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि गर्भवती महिला और 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जिनको हम लोग वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का जो एंट्री है वो करते हैं उसका भी यहाँ पे मॉड्यूल जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी गर्भवती महिला या किसी बच्चे का हमें टीकाकरण की एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर मान लीजिए चिल्ड्रेन का हमें वैक्सीनेशन डिटेल्स एड करनी है, कौन सा वैक्सीन उसको पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अगर उसको ये वैक्सीन लग जाती है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भर के सबमिट करना होगा। जैसे कि हमने अभी इस बच्चे का जो डिटेल्स है वो ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरड्यू दिखा रहा है, यानी जिस डेट को इस बच्चे का टीकाकरण होना था उसका टीकाकरण नहीं हुआ है इसलिए ओवरड्यू दिखा रहा है। नेक्स्ट जो टीकाकरण का डेट है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो नेक्स्ट जब टीकाकरण उस बच्चे को पड़ेगा तो उसका डेट आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करके सबमिट कर देनी है। तो पहले जो टीकाकरण की एंट्री थी उससे थोड़ा सा यहाँ पे जो है ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, अब नए तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो टीकाकरण की डिटेल्स है वो भरनी है, तो सारे कैटेगरी में आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। अपकमिंग में भी इस प्रकार से जो टीकाकरण का डेट है वो देखने को मिल जाएगा कि कौन सा टीका अभी उस बच्चे को लगने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण की एंट्री इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार ही मॉड्यूल हैं, प्रेगनेंट वुमेन, चिल्ड्रेन 0 से 6 मंथ, 6 मंथ से 3 ईयर्स और 3 ईयर से 6 ईयर्स, तो इन्हीं बेनिफिशरीज को टीकाकरण दी जाती है, तो इस प्रकार से आप लोग इनकी एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप का 20.7 में न्यू चेंजेस किए गए हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स में समझा दी है कि किस प्रकार से कौन सा जो चेंज है वो किया गया है। बाकी आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।